साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज एक खबर निकल के आई कि ने जो मुख्य परीक्षा है, रीट मुख्य परीक्षा, वो 2022 में नहीं होगी। जैसा आप सभी को ध्यान है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस बार रीट की मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। जो पात्रता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही करवाई जाएगी, जो आपके जुलाई में प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसके बाद में आपकी मुख्य परीक्षा होनी है। अब चीज जो निकल के ही आती है, अब इस बात को अपन नकार भी देते कि नहीं ये चीज गलत है या ऐसी, लेकिन उपेन जी ने डाली है, उपेन यादव, मैं मानता हूं उन्हें। इसलिए हो सकता है, देखो हर व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, हो सकता है कई लोग विश्वास नहीं करते उनमें भी, लेकिन मैं मानता हूं क्योंकि उन्होंने कैसे भी देखा जाए तो प्रयास किया है बेरोजगार युवाओं के लिए। ठीक है ना, तो पक्ष विपक्ष होना ये स्वाभाविक बात है, मेरे भी होंगे, ठीक है, हर व्यक्ति के होते हैं, लेकिन वो सूचना सही देते हैं, इस बात को मैं मानता हूं। तो मैं भी इस पे विश्वास करता हूं कि उन्होंने ये सूचना सही दी है। अब अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये करवाई जाएगी, उनके द्वारा ये जैसे बताया गया कि इस माह में का कैलेंडर जारी किया जा चुका है, और इस माह में मतलब इस साल का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। इस साल में ये मुख्य परीक्षा नहीं होगी, 2023 में होगी, जनवरी फरवरी, और हो सकता है आगे भी जाए, उससे पहले पात्रता परीक्षा होगी। अब इसमें साथियों दो तरह के विद्यार्थी, एक तो वे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल रीट की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे अधिकांश वो है जो सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, लेकिन रीट देंगे, और रीट सभी को देनी है। ये रीट है ना, देखो रीट मुख्य परीक्षा कह रहे हैं अपन, लेकिन एक्चुअली रीट मुख्य परीक्षा नहीं है, वो है तृतीय श्रेणी परीक्षा। रीट जो है वो पात्रता परीक्षा है इस बार, ठीक है, जो जुलाई में होगी। तो जो विद्यार्थी रीट की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, जो जुलाई में होगी, जिन जो फ्रेशर्स हैं, काफी सारे बीएड किए हुए फ्रेशर्स हैं, वो सीधी रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं कोई दुविधा नहीं है कि रीट देंगे उसके बाद में आपको उसकी तैयारी करनी है। जो अधिकांश विद्यार्थी वे हैं जो फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और वो रीट की पात्रता परीक्षा भी देंगे और फिर रीट मुख्य परीक्षा भी देंगे, ठीक है। अब बहुत सारा कंफ्यूजन है उनके लिए, क्योंकि एक तो इतनी सारी भर्तियां एक साथ में आ गई कि कौन सी तैयारी करें, कौन सी छोड़ें। बहुत मतलब हर एक विद्यार्थी, मान लीजिए एमए भी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, सब कुछ, तो वो स्कूल व्याख्याता में भी पात्र है, वो सेकंड ग्रेड के लिए भी पात्र है, वो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए भी पात्र है। उसके लिए तो ये दुविधा होती है कि वो तैयारी करे तो करे किसकी। और फिर जो आज वैसे मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाल के भी ये बताया था कि आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन चूंकि हर विद्यार्थी टेलीग्राम पे नहीं है, मैं कहता हूँ वैसे टेलीग्राम पे जुड़ जाना ताकि समय पे आपको जानकारी मिल सके, लेकिन हर विद्यार्थी नहीं है, और मेल और मैसेज के जरिए काफी सारे चीजें आ रही थी कि सर तो सेकंड ग्रेड कब होगा कैसे। देखो साथियों, इसके अंदर आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि पात्रता परीक्षा आप सभी को देनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी परीक्षा के आगे पात्रता लग जाता है ना, और आपको पता है 60% लाने हैं, यहां से चयन नहीं होगा, यानी अधिकांश हमको मेरिट में आना नहीं है इसमें से, तो वहां पे विद्यार्थी ढील छोड़ देते। मैंने आज का वीडियो ये इसीलिए बनाया कि ढील नहीं छोड़ सकते, आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस घातक है, ढील नहीं छोड़ सकते। तो आपको इसमें तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए रीट पात्रता की, वैसे तो आपने रीट की परीक्षाएं हालांकि स्थगित हो गई थी, लेकिन तैयारी बहुत जम के की थी आप लोगों ने, तो वो तैयारी पूर्व ज्ञान अब काम में आने वाला है। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उन्हें तो अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए पात्रता जरूरी नहीं है कि पेपर बिल्कुल ही सरल ही आए, लेवल का भी आ सकता है, तो वहां पे फिर बाद में परेशानी नहीं हो, तो उन्हें तो जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उन्हें तो अभी से लग ही जाना चाहिए इसमें, और लग गए होंगे। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी रीट के साथ में बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, इसके लिए पहले वीडियो बनाया भी था, तो उन्हें कम से कम आप मान के चले, यदि मैं बात करूं तो उन्हें है ना, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और पूर्व ज्ञान अच्छा है, तो उन्हें भी कम से कम मतलब आप मान के चले कि यदि आपकी रीट पे पकड़ थोड़ी सी कम है, तो कम से भी कम आपको 40 दिन तो इस पे देने ही चाहिए, यानी कि मान के चले कि 10 जून के आसपास आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए स्पेशली रीट की। एक बार सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता को साइड में रखे, ऐसा नहीं है कि आपका वहां पे लॉस होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि रीट में मान लीजिए एसएसटी के विद्यार्थी, वो एसएसटी पढ़ते हैं तो उनकी सेकंड ग्रेड में भी कवर होगी, साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उनकी सेकंड ग्रेड में भी कवर होगी, तो काफी सारी चीजें जो है वो कवर ही होगी, लॉस नहीं होगा। फिर भी मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, बेहद शानदार तैयारी आपकी पहले भी हुई थी और आपको अच्छा खासा नॉलेज है, फिर भी मैं कहूंगा कि आपको कम से भी कम फिर भी 25 से 30 दिन जरूर देने चाहिए पात्रता परीक्षा के लिए। वो इसलिए जरूरी है साथियों क्योंकि ये जो पात्रता परीक्षा है आपको पता है एक बार क्लियर करनी है, फिर आजीवन इसकी वैधता रहने वाली है,
तो जब आजीवन वाली वैधता रहने वाली है तो एक बार के लिए हमें जी जान से मेहनत करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो कम से कम 25-30 दिन भी दोगे ना आप, तो लैंग्वेज पढ़ने, दो तो लैंग्वेज पढ़नी है, एक साइकोलॉजी पढ़नी है और बाकी आपका सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वहां पे इतना समय मांगेगा ये। ठीक है, और फिर आप पात्रता बिल्कुल इतना भोग दोगे तो पात्रता बिल्कुल आराम से निकाल दोगे बिना किसी तनाव और दबाव में आए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये डाउट क्लियर कर देना कि किसको देनी है, सभी को देनी है, सभी को देनी है पात्रता परीक्षा, क्योंकि कब कौन सा नियम आ जाए नया कोई नहीं जानता। तो पात्रता परीक्षा देकर एक डिग्री आपके पास में पात्रता की होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी एग्जाम में मान ले मांग ले, कोई भी नया नियम आ जाए तो आपको इससे कोई मानसिक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो एक चीज तो ये करनी है, दूसरी आपको तैयारी इसकी जरूर करनी है। एक बार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो भी कर रहे हैं आप, अभी तो कंटिन्यू रखें, लेकिन आप जैसे ही समय पास में आता है फिर आपको एक बार उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा और होना चाहिए। यदि टू बी ऑनेस्ट मेरी सलाह मांगोगे आप, तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता कि नहीं हम निकाल देंगे। मान लीजिए 1% भी यदि हम पात्रता ही क्रॉस नहीं कर पाए तो आगे तो हमारे सपने धराशायी हो गए, वैसे फिर पात्रता परीक्षा कब होगी, फिर तो इस भर्ती को करवाया जाएगा। तो पात्रता को हल्के में नहीं लेना है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं कि विद्यार्थी कह रहे थे कि सर तो सेकंड ग्रेड कब होगी, वरिष्ठ अध्यापक कब होगी। यदि मेरा अनुमान और मेरे अनुभव के आधार पर मैं बताऊं, तो क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के मन में आया कि सर क्या ये भी 2023 में होगी, नहीं। यदि मेरे अनुमान के आधार पर साथियों मैं बताऊं तो सेकंड ग्रेड की यदि बात करें तो सेकंड ग्रेड मुझे जो अनुमान लग रहा है वो आपके हो सकती है अक्टूबर और नवंबर के आसपास। ठीक है, हो सकता है अक्टूबर से 15 दिन पहले, नवंबर के अंदर, इस तरीके से लगभग अक्टूबर नवंबर आप मान के चले फिर होगी। और यदि स्कूल व्याख्याता की बात करें अपन फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड की जहां तक मेरा अनुमान और अनुभव यदि मैं बताना चाहूं तो मुझे यहां से लगता है कि यहां से लगभग 2-3 महीने का गैप दिया जाएगा और देना भी चाहिए। 2-3 महीने बाद स्कूल व्याख्याता को करवाई जाएगी और करवाया भी जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिल सके अपना सब्जेक्ट पढ़ने के लिए और उन्हें सभी भर्तियों में समान अवसर मिल सके। और इसकी जो ये जायज मांग है, इसकी मांग आप यदि सरकार से करते भी हो तो करनी चाहिए, क्योंकि ये जायज मांग है, लेकिन जायज मांगों को प्रस्तुत करने का तरीका भी जायज होना चाहिए, ये बात जरूर ध्यान में रखें। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जहां तक फर्स्ट ग्रेड का मुझे अनुभव, मेरा अनुभव और अनुमान है वो ये है, और सेकंड ग्रेड का ये है, यानी कि मान के चले कि सेकंड ग्रेड आपके 2023 में नहीं जाएगी, इसी साल होगी जो मेरा अनुमान है। ठीक है, तो जुलाई में आप दे देते हैं रीट पात्रता परीक्षा, फिर वापस आपको लग जाना है किसमें, सेकंड ग्रेड में। तो रीट मुख्य परीक्षा के अंदर जो सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड के आपके सिलेबस से मैच होगा, तो वहां पे आपकी समस्या नहीं होगी, आप कवर कर लेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर जब भी हो जाए सेकंड ग्रेड। और उसके बाद में आप फिर वापस यदि स्कूल व्याख्याता की कर रहे हो तो स्कूल व्याख्याता के प्रति समर्पित हो सकते हो, और यदि आपको तृतीय श्रेणी के अध्यापक के लिए करना है तो आप इसके प्रति समर्पित हो सकते हो, और आपको पर्याप्त समय मिल भी जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों एक तो क्या है कि इसमें हड़बड़ाहट नहीं करनी है अपन को, क्योंकि जितना शांत मन से सोचोगे, जितना शांत मन से तैयारी करोगे, उतनी ही अच्छी और मतलब मजबूत तैयारी होगी। क्योंकि आपको पता है पानी जो होता है जितना ठहरा हुआ शांत है उतना साफ दिखाई देगा, हलचल मचने पर कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। तो अपने मन को, अपने चित्त को बिल्कुल शांत रखें और शांत मन से सोचें कि हाँ क्या मेरे लिए उचित है, क्या नहीं, कैसे मैं रणनीति बनाऊं, कैसे नहीं, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों, तो ये है, ये एग्जाम की डेट से संबंधित है। अब मुख्य परीक्षा जो रीट की, वो कहा गया है कि लगभग जनवरी फरवरी में होगी, जनवरी फरवरी में हो जाए, मार्च में भी जा सकती, कुछ कहा नहीं जा सकता, अनियमितता का दौर है। लेकिन एक बार आपको पात्रता परीक्षा के लिए अपना माइंड सेट बिल्कुल तैयार रखना है, क्योंकि अब वो समय आ रहा है जब आपको पात्रता परीक्षा एक बार निकालनी ही निकालनी है। ठीक है साथियों, फिर यदि बात करें अपन कि मैं, या काफी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर रीट की क्लासेस लगाइए, क्योंकि अपनी सेकंड ग्रेड की नियमित क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, तो जो रीट के अभ्यर्थी है जो सिर्फ रीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सेकंड ग्रेड की जितनी क्लासेस है वो सारी देख सकते हैं, वो सारी सारी इसमें काम में आने वाली है रीट में। ठीक है, इसके अलावा जैसे अंतिम महीना जो अपन ने कहा, जो अंतिम महीना होगा रीट से पहले वाला, उसके अंदर मैंने आपको कहा है कि आप ये चीजें छोड़ के एक बार सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा को देख लेना, तो उस समय अपन भी रीट की क्लासेस, आप, मैं भी आपके लिए रीट की क्लासेस चलाऊंगा,
ऐसा मानस बना रहा हूं मैं, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों की मांग है और कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में और रीट के सिलेबस में मैच नहीं करते, तो मेरी कोशिश वो रहेगी कि वो टॉपिक करवाया जाए, कठिन टॉपिक जो है उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बढ़िया तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से और अन्य नवाचार के माध्यम से आपको करवाया जाए, जैसे पिछली रीट में मैंने करवाए थे, तो उसी तरीके से करवाया जाए ताकि आपके पात्रता के अंदर बहुत बड़ी एक हेल्प लग जाए और वे विद्यार्थी जो कहीं कोचिंग करने में असमर्थ है वो भी बढ़िया तरीके से पढ़ के अपनी पात्रता परीक्षा निकाल सके। तो ये प्रयास मेरा भी अंतिम माह में रहेगा। अब उसमें मुझे ये देखना होगा कि मैं सेकंड ग्रेड की क्लासेस को साथ में कैसे मैनेज रख पाता हूँ, या कुछ कम करनी पड़ेगी या कैसे, जो भी, क्योंकि जितने सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनको भी पात्रता के लिए उस समय समय देना होगा। तो या तो अपन ये करेंगे कि पात्रता वाले जो टॉपिक है आपको डेली में करवा के लगभग एक महीने में आपको साइकोलॉजी के भी कुछ करवा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है, और जीके के भी करवा दूंगा जहां तक मेरा मतलब सामर्थ्य जितना होगा, जितनी मदद हो सके कि मैं उसको करवा दूंगा सिर्फ यूट्यूब पे। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्रैश कोर्स जारी करके आपको कह दूं कि ये लेना है वो, कुछ भी नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे करवाऊंगा जैसे पहले करवाया था वैसे ही। अच्छा, कुछ विद्यार्थी जो स्पेशल रीट के कर रहे हैं वो अभी भी चैनल पे पुराने वीडियो सारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं पुराने वीडियो साइकोलॉजी के वगैरह, आप देख के अभी भी कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक बढ़िया तरीके से करवाए हुए हैं, वहां से भी आप देख के अपनी तैयारी वापस जारी रख सकते हो और उससे बेहतर तरीके से और भी आगे लास्ट जो महीना आप करोगे तैयारी उस समय मैं आपका साथ देने की कोशिश करूंगा, मेरी तरफ से मैं ये कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा जैसे पुस्तक, तो गाइड तो अपने कल आपको दे दिया, वन लाइनर का विद्यार्थी पूछ रहे थे रीट की सर वन लाइनर कब आएगी, जैसे सेकंड ग्रेड की दी है उस तरीके की, तो सार गर्भित और बिल्कुल रिविजन बूस्टर के टाइप में एक रन वन लाइनर जो काम बहुत तेजी से चल रहा है वो देने का प्रयास है मई के अंत तक, यानी आप एक पर्याप्त समय भी आपको मिल जाएगा और एक बहुत बढ़िया तरीके से रिविजन हो जाएगा, इतना विश्वास है कि पात्रता आराम से निकाल दोगे। तो वो मई के अंत तक या जून के पहले सप्ताह में देने का पूरा पूरा प्रयास मेरी तरफ से है और लगभग मैं इस समय में दे दूंगा क्योंकि उस समय तक मैं ये काम कर रहा हूं। तो इतनी साथियों मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर सकता हूं, जैसे आपको ये दी है अपने क्या कहते हैं सेकंड ग्रेड की वन लाइनर, काफी सारे विद्यार्थी रीट के भी उन्होंने भी पढ़ी है, लेकिन स्पेशली रीट के सिलेबस पर पूरी तरीके से SST की रीट के सिलेबस पर वो आपको मैं मई के अंतिम सप्ताह तक या जून के प्रथम सप्ताह में आपको दे दूंगा। बाकी जो गाइड चाहिए एक बिल्कुल संपूर्ण मैटर पर आपके कंसेप्चुअल, वो मैंने कल वीडियो बनाकर बता दिया, वो मार्केट में आपको दे भी दी है, ठीक है। तो साथियों ये मदद मेरी तरफ से जो की जा सकती है, मेरा जितना सामर्थ्य है वो मैं कर रहा हूँ। बाकी आपको यदि कहीं कोई समस्या होगी रणनीति में या कुछ टाइम मैनेजमेंट में या कुछ ऐसा, तो मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा, आप कमेंट में या कुछ ऐसा बता देना, तो मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा जब भी समय मिलेगा तो मैं आपकी इस शंका को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये है कि एक तो नकारात्मकता से आपको बचना ही बचना है, ठीक है, नकारात्मकता को तो पास में ही नहीं आने दें, नकारात्मकता क्या होती है नकारात्मकता ये होती है साथियों, नकारात्मक व्यक्ति अपने आसपास नेगेटिविटी ही फैला सकता है, कभी भी पॉजिटिविटी नहीं फैला सकता। तो नकारात्मकता से बचें, नकारात्मक व्यक्ति से बचें, क्योंकि वो आपको दो कदम पीछे जरूर धकेल सकता है, आगे नहीं जाने दे सकता। तो नकारात्मकता को बिल्कुल नहीं आने दें, बिल्कुल शांत मन से तैयारी करें और अपने आप को मतलब हड़बड़ाहट से बचें, ठीक है। एक तो क्या करना है नकारात्मकता को बिल्कुल पास में नहीं आने देना है, एक आपके हड़बड़ाहट ये भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके लक्ष्य से, तो हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं मचानी है, बिल्कुल शांत होकर जितनी तैयारी करोगे उतना अच्छा है। एक क्या होता है कि हर भारत के अंदर राजस्थान के अंदर हर घर में सलाहकार और डॉक्टर मिलेंगे, ठीक है, हर घर में सलाहकार और डॉक्टर मिलेंगे, हर किसी से सलाह लेने की कोशिश ना करें, सिर्फ फोकस करें कि मैं आप सिलेबस को किस तरीके से तैयार कर सकते हो, किस तरीके से पढ़ सकते हो, किस तरीके से आपका वो चीज क्लियर हो जाए जो आपकी पात्रता परीक्षा में आपको बिल्कुल हेल्प पहुंचाए और पात्रता आपकी आराम से सकुशल निकल जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और ये मैंने टेलीग्राम के जरिए बताने की कोशिश की थी, लेकिन वीडियो के माध्यम से थोड़ा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो ये दो, एक तो मुझे है ना ये बहुत खराब चीज लगती है जो विद्यार्थी भी कोई नेगेटिविटी वाले कमेंट करते ना, सर कैसे हो पाएगा, मैं तो नहीं कर सकता या ऐसे, तो वो मुझे बहुत खराब लगती है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत,
जब आप अपने लिए ही नकारात्मक सोचोगे तो दुनिया तो वैसे ही तैयार बैठी है नकारात्मक सोचने के लिए, जहां पे देख सकते हो मुझे इसलिए जीतना है क्योंकि सब चाहते हैं मैं हार जाऊं, सब चाहते हैं मैं हार जाऊं, लेकिन जब मैं जीतूंगा तो उनकी क्या हालत होगी, और वो दुनिया ये जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ आपके परिवार वाले, एक दो आपके सच्चे मित्र और आपके शिक्षक के अलावा और कोई खुश नहीं होने वाला आप सफल हो जाओगे, क्योंकि सब चाहते हैं आप हार जाओ लेकिन आपको जीतना है और यही आपकी ताकत है। यदि कोई आपसे ऐसी आशाएं नहीं रखेगा तो आप इतने मेहनत नहीं कर पाओगे, जब आपसे ये आशाएं रखी जाएगी तब आप मेहनत करोगे। तो आपके लिए बस आपको शांत होकर, ये शांत होकर मेहनत करनी है और निरंतर मेहनत करनी, परिणाम सकारात्मक आएंगे। बाकी ये भी है कि ये रीट की परीक्षा आगे खिसक जाने को पॉजिटिव कैसे लेंगे आप, कि आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का पर्याप्त समय मिल जाएगा और रीट की जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए, इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो, नजरिया आपका है, आप जैसे देखोगे वैसे आपको वो चीज दिखेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें जो आपको बताई, एक तो नकारात्मकता और एक हड़बड़ाहट, ये नहीं करनी है, शांत होकर तैयारी करो बिल्कुल आराम से, कहीं कोई समस्या नहीं है। और मैंने आपको बता दिया मैं आपको क्लासेस रीट की किस तरीके से कब कब देने वाला हूं, और जब आएगी उससे पहले वापस एक वीडियो बनाकर सूचना दे दी जाएगी कि भाई अब अपन जो है रीट की क्लासेस को बीच में उठाएंगे। ठीक है, तो वहां से आपकी जितनी मदद हो सके कि मैं करने का प्रयास करूंगा, बाकी कोई ऐसी हो तो बता देना। तो टेस्ट सीरीज और ये बुक्स वगैरह ये तो सब चल ही रही है, ये तो सब आपको पता ही है और जितनी हेल्प हो सकती है उतनी कर रहे हैं। बाकी और भी कोई प्रयास आप लोगों के लिए अच्छा होगा तो जरूर करेंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप लोग भी जीजीडी परिवार के सदस्य हैं और सम्माननीय सदस्य हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, धैर्य से काम लें और हिम्मत से काम लें, बढ़िया रणनीति के साथ में पढ़ाई करें, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।